दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे भारत की जनता बात कर रही है और कह रही है, उसी को आगे बढ़ाने आए हैं। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की जनता कह रही है, अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की भूमिका सकारात्मक रूप से जनता के सवाल कैसे मजबूती से उठाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है। सवाल क्या पूछे? सवाल पूछे कि अगर आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति सही थी तो वापस क्यों ली गई? जवाब आया विदेशी समाचार न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रिका कहती है कि आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल बड़ा अच्छा है। सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल जी, कोविड की दूसरी लहर आई, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता के साथ खड़ी हो गई, दवाई सुनिश्चित करी, अस्पताल में बेड हो, ऑक्सीजन मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कलम को, जिसको स्वास्थ्य, चिकित्सा, दवाई, बेड और ऑक्सीजन पर ध्यान देना था, अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कलम, आबकारी नीति पे दस्तखत करने में लगी थी। मनीष सिसोदिया वो अकाउंटेंट बन के ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के खजाने में जनता के पैसे की कितनी लूट आएगी। ब्लास्ट हो रहा है, मेरे तो बहुत कमा रहे हैं। और एक बात कहना गलत नहीं होगा, इनका बीच में ब्लास्ट हो रहा है। आज भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। करोड़ी बराबर है सर, ऑडियो ठीक है। ये कहना गलत नहीं होगा, भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप जनता के लिए अभिशाप है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आज ये सवाल वो कहते हैं कि 2024 का चुनाव है, सब पूछ रहे थे मोदी जी वर्सेस कौन, अब कह रहे हैं मोदी जी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी, आज लोग कह रहे हैं जिसने भी दिल्ली को ठगा है, जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। और मत भूलिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, शेख चिल्ली वाली बातें आपने पहले भी करी थी, बनारस गए थे, मुंह की खाई थी, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाती है आपकी, उत्तराखंड गोवा में क्या हुआ हम सब जानते हैं। आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ, आपने होने कैसे दिया? जब समय था जनता के आंसू पोंछने का, तब आप घोटाला करके आबकारी नीति क्यों ला रहे थे? क्या जनता की चिंता आपको नहीं है? केवल रुपया कमाना, लूट खसोट करना, भ्रष्टाचार फैलाना आपका मकसद है, इसलिए आप राजनीति में आए थे? और इसका उत्तर ना न्यूयॉर्क टाइम्स का
वो आर्टिकल हो सकता है, इसका उत्तर ना राजनीतिक द्वेष की बात करना हो सकता है, इसका उत्तर सब लोग मुझसे डरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपसे कोई डरा हुआ नहीं। जैसे जैसे खुल रही है कड़ी, पास आ रही है आपके हथकड़ी, ये जो कड़ियां खुल रही हैं, सब जानते हैं कि आप कितने घबराए हुए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो रोज सुबह शाम टैक्स पेयर के रुपए से इश्तिहार देते थे, टीवी पे बैठते थे, और आज जनता ने तीन सवाल क्या पूछ लिए, तीन सवाल, और आपकी नींव पूरी तरह से खिसक गई। आपकी स्वघोषित ईमानदारी की इमारत ढह गई। मैं पुनः एक बात कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, आपको जनता को जवाब देना चाहिए। आपने प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार किया, बड़ा घोटाला किया, यह आपत्तिजनक है, चिंताजनक है, लेकिन सवाल मैं नैतिकता का उठाता हूं। दिल्ली वासियों की जान इसलिए गई क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोविड की दूसरी लहर में यह सुनिश्चित करना था कि दवाई मिले, बेड मिले, ऑक्सीजन मिले, तब आप ठेकेदारों से मिलकर यह तय कर रहे थे कि वो कितनी कमाई करेंगे और आपके पास वापस कितना आएगा। यह राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न है। दिल्ली में शराब कुछ दिन ना बिकती, चल जाता, लेकिन आम आदमी को उसकी सांसें मिल जाती, यह जरूरी था, यह कर्तव्य था आपका। संविधान की शपथ इस बात के लिए थी। इसके साथ मैं देखता हूं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और बहुत दुख हुआ मैंने जब मनीष सिसोदिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन एफआईआर कह रही है केवल 1 करोड़ का घोटाला है। आप इनकी नीयत और सोच देखिए, घोटाले का भी जस्टिफिकेशन यह है कि यह छोटा 1 करोड़ का घोटाला ही लिखा है। तो मैं दो बातें मनीष सिसोदिया जी आपको मुफ्त की सलाह दे देता हूं। पहली बात, जो एफआईआर में लिखा गया है ना, यह कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता है। यह जो पूछताछ हो रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, हर भारतीय को यह यकीन है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और सत्य बाहर आएगा। और मैंने कहा ना, जैसे जैसे जुड़ेगी कड़ी, वैसे वैसे पास आएगी हथकड़ी। और दूसरी बात, घोटाला 1 रुपए का हो या 1000 करोड़ का हो, सवाल आज आपकी ईमानदारी का है। आपने जनता के पैसे से अपनी तिजोरी क्यों भरी? जब आप ये कहते हैं कि 1 करोड़ का केवल घोटाला लिखा है सीबीआई की एफआईआर में, तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं घोटाला तो हुआ, लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और राजनीति में ईमानदारी, विश्वसनीयता, ये आधारशिला है जो रिश्ता एक नेता का जनता के साथ होता है, जिसका उदाहरण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी। आपने उस विश्वसनीयता को तोड़ा है, इसलिए यह सवाल पूछे जा रहे हैं। और इस मंच का सदुपयोग करते हुए आदेश गुप्ता जी भी यहां है, संजय जी भी यहां पे हैं, हरीश जी भी हैं, मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल जी,
अगर आप में थोड़ी सी नैतिकता बची है, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर यह समय बहुत है एक ईमानदार के लिए। आप केवल यह बताइए कि अगर आपने घोटाला नहीं किया तो आबकारी नीति वापस क्यों ली? 144 करोड़ की छूट आपने क्यों दी जिससे कि सरकार के कोष को घाटा हुआ? 30 करोड़ का जुर्माना आपने माफ क्यों किया? और अगर आप जैसा आप कहते हैं कट्टर ईमानदार हूं और यह राजनीतिक द्वेष का मामला है, न्यायालय जाइए, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, न्यायालय जाइए, मामला रद्द कराइए। हम भी सराहेंगे कि हमने जो आरोप लगाए उनमें सत्यता नहीं थी, ये मापदंड हमें है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप अपना मॉडल बताते हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज अरविंद केजरीवाल मॉडल का मतलब है आईएसआईएमआर की गारंटी से ज्यादा बड़ी गारंटी, अरविंद केजरीवाल की करप्शन गारंटी, अरविंद केजरीवाल की करप्शन गारंटी। आया हूं तो कुछ तो घोटाला करके जाऊंगा। दो प्रदेशों में सरकार, दो स्वास्थ्य मंत्री, दोनों भ्रष्टाचारी, दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, 100% करप्शन। और ये चाहते हैं जनता इनको मौका दे, जनता इंतजार कर रही है। आप जनता के बीच में जाइए, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, पैरों के नीचे आपके जमीन नहीं है। गजब यह है, फिर भी आपको यकीन नहीं। और इस बात पे इनके दोहरे मापदंड को उजागर करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। यही अरविंद केजरीवाल, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की शिकायत आती है, कहते हैं हमारे पास शिकायत आई है, और शिकायत आई है तो मैंने तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया। सत्येंद्र जैन, जिसको आपने कट्टर ईमानदार कहा था, वो 3 महीने से जेल में है, 3 महीने से। और आज ये कहना गलत नहीं होगा कि कट्टर बेईमान अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया है। और अगर पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री आपने हटाया ये कह के कि शिकायत आई है, सत्येंद्र जैन को आज तक क्यों नहीं है? मनीष सिसोदिया, जो आज सीबीआई की जांच चल रही है, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये दिखाता है ये घोटाला जो है ये रुकता नहीं। केवल मनीष सिसोदिया उर्फ एक्यूज्ड नंबर 1 पर यह घोटाला जाता है, भ्रष्टाचारी नंबर 1 अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक। और सीबीआई हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, यह टीवी पे आकर दलील देना बंद करिए। एक बात जान लीजिए, कोई भ्रष्टाचारी होगा तो बच्चा नहीं जाएगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप भी कानून से ऊपर नहीं है। गलत अगर किया है तो अब आपके दिन जो बचे हैं वो गिनती के बचे हैं। धन्यवाद।